सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अरबी और आलू बनाने का तरीका बताऊंगी, लेकिन ये आम रवायती तरीका नहीं है बल्कि बहुत ही मज़ेदार मसालेदार अरबी आलू बनाना सिखाऊंगी। उससे पहले हमेशा की तरह, लेकिन आपने मेरी वीडियोज़ को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अरबी आलू, मसालेदार अरबी आलू के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। इसके लिए मैंने एक पाव अरबी ली है और इसको यूं गोल गोल कतले काट लिए। आप चाहें तो इसके लंबे कतले भी काट सकते हैं। सेम इसी तरह आलू के हमने काटे लच्छेदार प्याज। आपने एक बड़ी प्याज लेनी है, अगर छोटी है तो फिर दो से तीन दरमियानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ एक टमाटर लिया है मैंने, अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी, दो चम्मच सुर्ख मिर्च, ये आपने अपने ज़रूरत के मुताबिक लेना है, और सेम जैसे आप लाइक करते हैं नमक, लेकिन मैंने आधा चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन प्याज को लेंगे और इनको हम फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। ये देखें, अब मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसको इसके अंदर हम ये लच्छेदार जो हमारी प्याज है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अब हम इसको पहले गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसको निकालकर अरबियां, फिर उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर आलू। सबसे पहले अब हम प्याज को ब्राउन करते हैं। ये देखें, अब हमारे जो प्याज है वो ब्राउन हो चुके हैं। आप चाहें तो इससे ज्यादा भी थोड़े से और कर सकते हैं, लेकिन अब मैं इनको करके निकाल लूंगी। निकालने के बाद अरबियां ऐड करूंगी। ये प्याज को मैंने सेपरेट निकाल लिया है, अब मैं इसके बाद ये अरबियां ऐड करूंगी। इसको हमने 5 से 7 मिनट तक फ्राई करना है। जैसे ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होगी हम इसको भी निकाल लेंगे। अब मैं इनको भी निकाल लूंगी। इससे जो इसका करारापन क्रिस्पी है वो बरकरार रहेगा। अब इसके बाद मैं इसके अंदर आलू को फ्राई करूंगी। अब मैं हल्का से एक चुटकी के करीब इसके ऊपर नमक डालूंगी, उसी आधा चम्मच में से, ताकि इसमें हल्का सा एक नमक का टेस्ट आ जाए, ये फीके ना लगे। ये हमारे आलू भी फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको भी, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि ये बिल्कुल ना चिप्स की तरह फ्राई हुए हैं, इसी तरह ये रेड है और कराड़े भी उतने, जिसको हम क्रिस्पी कहते हैं। अब इसी के अंदर मैं बाकी तमाम जितनी भी हमने सब्जियां फ्राई की, जैसे अरबियां हमने फ्राई की, ये डालेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर फ्राई की हुई प्याज शामिल करेंगे। और तमाम मसाले, नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन का 1 चम्मच, साथ ही हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। ये अब मैंने इसको डायरेक्ट ही काट के डाल रही हूँ, आप पहले इसको बारीक बारीक चॉप कर लीजिए। साथ ही मैं इसमें 2 हरी मिर्चें लंबी ही ऐड करें। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे।
अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मैं 2 से 3 मिनट इसको भूनूंगी। भूनने के बाद हम इसको दम पर लगाकर मजीद 4 से 5 मिनट इसको पकाएंगे और फिर हमारी ये मसालेदार अरबी आलू तैयार हो जाएंगे। हम इसको इसलिए भून रहे हैं क्योंकि हमने अभी अदरक लहसुन ऐड किया है। जैसे अदरक लहसुन की स्मेल खत्म होगी हम इसको दम पर लगाएंगे। अब ये देखें इसको 5 मिनट हो गए मुझे फ्राई करते हुए ये भूनकर मैंने इसको रख। अब मैं इसको कवर करूंगी और मजीद इसे 5 से 7 मिनट दम पर पकाऊंगी। मैंने इसको दम दे दिया। अब इसको हम आपने इसकी आग जो इसके नीचे आग है वो आपने बिल्कुल दम पर ही रखनी है। अब ये 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद ये आप देखें हमारी मसालेदार अरबी आलू बनकर तैयार हो चुके हैं। इसको घर पर जरूर ट्राई कीजिए और मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये हमारी डिश कैसे लगी। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज और स्टाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।